Hey guys, welcome back to our fresh new video. कुछ दिनों में आने वाला है Free Fire का OB41 patch update, जिसकी डेट निकल के आ रही है 10th of August. पिछली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखा है, इस वीडियो के बाद वो टॉपिक जोर से देख लेना, बहुत काम आएगा Free Fire अनबैन की डेट को लेकर के. पैसा ही पैसा होगा. OB41 के अंदर काफी कुछ निकल के आने वाला है, जिसको हमने 90% कवर कर दिया हमारी पिछली कुछ वीडियोस में. फिर भी कहते हैं ना, वो कीटाणु रह ही जाते हैं, और इस बार कीटाणु 10% रह गए हैं 1% की जगह पे. और मैं सच बता रहा हूँ, मैं डीजे मृदुल या फिर डीजे राजेश लग रहा हूँ. तो क्या करें भैया, आप पहले वीडियो को लाइक कर दो, 8000 लाइक्स का एम है. ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, बस लाइक मांगता हूं, 8000 लाइक. कमेंट तो तुम कर ही देना, जो तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, फीडबैक दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. पर सीधे आते हैं स्क्रीन की तरफ, और हम लोग आ चुके हैं हमारे कैली शो में. हर साल की तरह, हर महीने की तरह, हर डेढ़ महीने में गरीना फ्री फायर एक कैली शो देती है, जिसमें इस बार कैली शो स्टार्ट करने के साथ ही एक बड़ी लीक होने वाली है, जो कि होने वाली है हमारे नेक्स्ट्रा मैप के रिगार्डिंग. नेक्स्ट्रा मैप के अंदर आपको डायनेमिक वेदर फाइनली देखने को मिलेगा, डायनेमिक टाइम आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको क्लॉक जोर से देखने को मिलने वाली है, ब्लू आसमान और ये पूरा बैकग्राउंड वहीं का होने वाला है. और आपको बताना चाहूंगा कि गरीना फ्री फायर के कुछ नए मोड्स भी आने वाले हैं, इसमें आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा. तो हाँ, नाइट होने वाला है गरीना फ्री फायर का अगला शिकार. हम लोग बोल रहे हैं भाई, ये डे और नाइट टाइम साइकिल दो, हम कहते हैं डायनेमिक वेदर दो, बट गरीना फ्री फायर देती है, फिर हटाती है, देती है, फिर हटाती है. बुरा लगता है और देना जरूरी है, इससे मजा आता है. बोल रहे हैं पर शब हमारे. व्हाट्स अप फ्री फायर. ओ ये चीज गाइस, मैं इस चीज पे आना चाहता था. थोड़ा साउंड की वजह से मैं नहीं देख पा रहा था. इस बार ना ये ज़ॉम्बी मोड के अंदर जो स्किन्स होने वाले हैं, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स आ रखे हैं. देखो, डैमेज प्लस, फायर रेट ऑफ फायर प्लस, एंड साथ साथ फायरिंग स्पीड प्लस, ये काफी अच्छी चीज होने वाली है. वहीं अगर हम बात करेंगे, यही हमारी जो उस कार की स्किन होने वाली है, डैमेज प्लस, रेट ऑफ फायर प्लस और फायरिंग स्पीड प्लस, ये एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं. एंड पर्सनली मैं बताऊंगा ना, तो भाई ये ज़ॉम्बी मोड में मेहनत कर लेना अगर फ्री स्किन्स लेनी हो, अगर तुम खर्चा नहीं करते हो ना फ्री फायर में, ये मौका होने वाला है फ्री स्किन्स सही कमाने का. सही स्किन्स है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, एनिमेशन भी काफी अच्छे हैं. हां, इसमें एक और चीज आपको बताऊंगा, एक लीक दूंगा, बट इसके अंदर तुम्हें एक चीज नोटिस करना, यहां तुम्हें स्टेयरकेस नजर आ रहे हैं. एडवांस सर्वर में जो स्टेयरकेस थे ना, जो सीढ़ियां थी, वो पूरी पूरी नीचे जो कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये होने वाला है कि कौन सा फ्रेंड कौन सा वेपन उठा रहा है, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा. क्योंकि कभी कभी कुछ निकम्मे टीममेट्स ऐसे होते हैं ना, समझाने के बावजूद भी भाई वो गलत वेपन उठा. के अलावा गाइस, यहाँ पे हमारे बैटल रॉयल के अंदर नया रिवाइवल सिस्टम गरीना फ्री फायर लेके आ रही है, हमारा वेंडिंग मशीन बॉक्स. जी हाँ, वेंडिंग मशीन बॉक्स जो होने वाला है, हमारा नया रिवाइवल पॉइंट बनेगा, जो कि मुझे काफी कूल लग रहा है. जिस इस पे क्लिक करो, सोलो डेयर, जब आपकी पूरी पूरी टीम खत्म हो चुकी होगी, आप इकलौते बचोगे. आप या तो आपके पास कॉइन है, तो भाई कॉइन खर्च करके, यहाँ पे कितने कॉइन थे, 600 एफएफ कॉइन का यूज करते हुए यहाँ पे आप तो या तो पूरी टीम को बचा लो, या तो फिर आप सोलो रिवाइवल का उपयोग करो. और यहाँ पे सोलो डेयर के अंदर, मतलब जैसे ही आपने इस पे क्लिक करा, पूरे मैप में हल्ला मच जाएगा कि भाई ये बंदा कर रहा है गड़बड़, ये बंदा ही कर रहा है गड़बड़. और यहाँ पे पूरी पूरी मैप में आ जाएगा, मार्कर हो जाएंगे. एंड उसके साथ ही साथ, अगर यहाँ पे आपने पूरी टीम को बचा लिया पूरा पूरा रिवाइवल पॉइंट की तरह रह करके, इसका टाइमिंग मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, रिवाइवल पॉइंट में थोड़ी टाइमिंग शायद कम होगी, बट इस पर थोड़ी ज्यादा टाइमिंग लग रही है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. तो यहाँ पे आपकी पूरी पूरी टीम बच जाएगी, एंड यहाँ पे आप मौज करो, पार्टी करो. बट अगर कोई बंदा मार्क हो जाता है, कोई बंदा बचा रहा है, तो कुछ इस तरीके से मार्क हो जाएगा पूरे मैप में, एंड फिर उसके बाद आप हंट डाउन करते रहो उसके उसके साथ पूरे पूरे मजे लो. एंड ये भी काफी सही कूल चीज होने वाली है. तो ठीक है, गरीना फ्री फायर ये भी अच्छा ट्राई कर रही है अपनी साइड से. अगर आप बंदे को मार देते हो ना, तो भाई अच्छी लूट में मिलने वाली है, ये तो बता ही दिया इन लोगों ने. लास्ट मैंने जब इसके ऊपर वीडियो में कवरेज दी थी ना, तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी. मैंने कहा था कि जो यूएवी होगा ना, वो एनिमी के लिए होगा, मतलब आपके ऊपर आपको करेगा मार्क, बट ये यूएवी आपका फ्रेंडली यूएवी होने वाला है, ये एनिमीज को ढूंढेगा आपके लिए. जिस तरीके से यहां पे मार्क हो रखा है, यहां पे एनिमीज को ढूंढेगा, फ्रेंडली यूएवी होगा, ये एक्सक्लूसिव यूएवी आपके लिए होगा, ताकि आप लूट करते करते आसपास पता करो. क्योंकि अर्सनल बॉक्सेस पे अक्सर ऐसा हो रहा है कि बंदे आ रहे हैं इन बॉक्सेस पे, एंड हम लोग लूट कर रहे हैं, बंदे आके हमला करके हमें खत्म कर देते. तो ये काफी सही चीज करी है गरीना फ्री फायर ने. पिछली वीडियोस का नहीं कवर करने वाला उसके अंदर, क्योंकि मुझे पता जो रेगुलर वीडियोस देखते ना, उनको पता है कि मैंने सब कुछ कवर कर रखा ऑलरेडी. इसके अंदर आपका पैच के बाद ये आपके अचीवमेंट सिस्टम के अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा कुछ BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी एंड बाकी दूसरी गेम से इंस्पायर्ड होने वाला. तो काफी सही चीज. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी वेपन के अंदर, आई एम रियली सॉरी, उसके लिए मैं दोबारा माफी मांगूंगा. पिछली कुछ वीडियोस के अंदर जब मैंने वेपन एडजस्टमेंट के बारे में बात करती,
छोटी सी गलती करती मिनिमम और मैक्सिमम में ग्रोजर के अंदर आप लोगों ने पॉइंट आउट करा, बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी बाबू, सब मैंने कवर कर रखा था, बस छोटी मोटी चीजें थी जो पेंडिंग थी इस बार। एंड मेरे ख्याल से ये कैली शो के अंदर दिखा करके मैंने आपको बता ही दिया होगा, बट इसके बाद मेरे ख्याल से पैच अपडेट में कुछ और पेंडिंग नहीं रहना जो हमने कवर करना बाकी बचा था। बस एक चीज मैं कवर नहीं कर पाया था, वो था डायनेमिक टाइमिंग एंड वो जो हमारा टाइम साइकिल होने वाला है वो काफी सही चीज होने। एंड गरीना फ्री फायर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, एक बार ना पुराना ट्रेनिंग आइलैंड वापस लेके आ जाओ, बहुत दिल से मन है वो पुराने ट्रेनिंग आइलैंड को खेलने का, क्योंकि वो ट्रेनिंग आइलैंड का ना मजा था, उसमें हमारा डायनेमिक साइकिल भी था, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं डे और टाइम भी होता था, उसको पुराना वापस लेके आओ, एक बार खेलना है, बहुत मन है, बहुत दिल से इच्छा है। सब कुछ आप ओल्ड फ्री फायर कर रहे थे, उसको वापस लेके आओगे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी गाइस आप लोग बताओ, आपको कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी तबीयत खराब है समझ लेना भाई, मजबूरी, ठीक है, रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ फिर भी। मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में।